डीआरडीओ ने अब एक बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। हमने आकाश का एक नया वेरिएंट बना डाला है और इसका नाम है आकाश एनजी मिसाइल। अब इसमें क्या लग है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसका इंजन चेंज कर दिया गया है और इससे पुरानी मिसाइल से अगर आप कंपेयर करोगे लगभग आधा वेट है हमारे रॉकेट का। पहले 700 केज था और अब है केवल 350 केजी। इसका मतलब ग्रेटर मोबिलिटी, फास्टर डिप्लॉयड और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। और भारत का यह बड़ा कारनामा देखकर दुनिया के कई तमाम कंट्रीज अब भारत से यह सिस्टम खरीदने के लिए उत्सुक है। इसमें से ईस्ट एशिया वाली कई तमाम कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम और फिलीपींस। इन्होंने इंक्वायरी करनी भी अब शुरू कर दी है क्योंकि चाइना से बहुत ही ज्यादा अग्रेशन ये कंट्रीज फेस कर रही हैं। और अगर इनके पास इस तरह के एडवांस मिसाइल सिस्टम होंगे तो चाइना की यह मजाल नहीं होगी कि यह दिन दहाड़ इनको परेशान करने लग जाए। इसके अलावा हमने आर्मेनिया को भी हमारे ओल्डर आकाश 1S वेरिएंट को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया है। आर्मेनिया भी इसके परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है और काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह अब जल्द ही आकाश का यह नया वेरिएंट इजी वेरिएंट भी अपग्रेड करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस सिस्टम से ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। सो अब नेचुरली बनता ही है कि यह आकाश एनजी के वेरिएंट को भी खरीदेंगे। मिसाइल के अलावा अब टैंक्स के मामले में भी भारत ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। हाल ही में एक पूरा का पूरा बैच ऑफ T-90 Mark III टैंक्स, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, Mark III। हमने जो रशिया से T-90 खरीदे थे ये टेक्नोलॉजी में काफी पुराना ने हो रहे थे, लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने अब इनमें AI की जान डाल दी है। AI पावर टेक्नोलॉजीज, सिचुएशनल अवेयरनेस, कई तमाम एडवांस फीचर्स इसमें डाले गए हैं जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। अभी तक एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इसके आर्मरर प्रोडक्शन को भी और ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि मिसाइल भी इसको जल्दी पेनिट्रेट ना कर पाए। ये आप तस्वीर भी देख सकते हो, इनग्रेन किया जा रहा है। एक तरफ हमारे T-90 Mark III टैंक की पूरी लाइनअप है तो वहीं दूसरे तरफ लोगों का जमावड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे नए वर्जन ऑफ टैंक्स का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। वाकई में मानना पड़ेगा भारत के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम, हमारे पास जो वेपन्स हैं चाहे मिसाइल हो या टैंक्स, ये उनको भी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं विद नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड AI फीचर्स। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी मत भूलिए।